Hello, my dear friends. I want to ask you something from all of you. Do you like to watch Bollywood movies or Hollywood movies? क्या आप बॉलीवुड मूवीज देखते हैं या हॉलीवुड मूवीज देखते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों फिल्म इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, जहां हॉलीवुड दुनिया की नंबर वन फिल्म इंडस्ट्री हैं, जो कि कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर हैं, और वहीं बॉलीवुड जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि हमारे देश इंडिया में मुंबई के अंदर स्थित है. इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट अ जीडी ग्रुप डिस्कशन बिटवीन बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड एंड जस्ट फाइंड आउट विच वन इज बेटर. दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिमांडिंग बाय माय ऑल सब्सक्राइबर्स. लेट्स मूव अहेड. माय डियर फ्रेंड्स, आप मेरे वन साइड में बॉलीवुड और दूसरे साइड में हॉलीवुड के पॉइंट्स देख पा रहे हैं. तो कोई भी जीडी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं. सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मेरे जो पिछले वीडियोज हैं इंग्लिश ग्रुप डिस्कशन के, उन सारे वीडियोज को आप जरूर देख ले, और आप चाहे तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दी है. तो दोस्तों, बॉलीवुड का जो पहला पॉइंट सेल्फ इंट्रोडक्शन और दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, बॉलीवुड इज अ फेमस इंडियन सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री विच इज सिचुएटेड इन मुंबई इन आर कंट्री. बॉलीवुड जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध इंडियन सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री है, जो कि हमारे देश के अंदर मुंबई के अंदर स्थित है, और बॉलीवुड हमारे देश की फिल्म इंडस्ट्री है. इसी वजह से हम सभी इंडियंस का इस इंडस्ट्री के प्रति एक विशेष लगाव है, एक बहुत ही खास अटैचमेंट है. इधर आते हैं हॉलीवुड का नंबर फर्स्ट पॉइंट सेल्फ इंट्रोडक्शन, और दूसरा पॉइंट आता है हॉलीवुड इज द बिगेस्ट and very popular film industry in the world, which is situated in Los Angeles, California, America. हॉलीवुड जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है और बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर फिल्म इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, और ये फिल्म इंडस्ट्री अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया नाम की जो जगह है वहां पर, लॉस एंजेलिस नाम की जो जगह है वहां पर ये स्थित है, और हॉलीवुड नंबर वन इंडस्ट्री है फिल्मी दुनिया की. इधर आते हैं दोस्तों बॉलीवुड का नंबर थ्री पॉइंट, बॉलीवुड मूवीज आर बेस्ड ऑन हिंदी लैंग्वेज विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरी इंडियन. बॉलीवुड मूवी की खासियत ये है कि ये पूरी हिंदी भाषा में होती है, और हिंदी भाषा की वजह से हमारे जो भारतीय लोग हैं उनको आसानी से समझने योग्य होती हैं. सभी भारतीय बॉलीवुड की मूवी को बड़े खुशी खुशी देखते हैं और अच्छी तरह वो समझ पाते हैं, सारे डायलॉग भी याद रहते हैं. इधर आते हैं हॉलीवुड मूवीज का नंबर थ्री पॉइंट, हॉलीवुड मूवीज आर बेस्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज विच कैन बी डब्ड इन हिंदी टू. हॉलीवुड मूवी जो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, लेकिन इस हॉलीवुड मूवी को हम हिंदी के अंदर भी डब कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं. इधर आते हैं बॉलीवुड का नंबर फोर पॉइंट, द टाइप्स ऑफ बॉलीवुड मूवीज आर लव, रोमांस, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी एटसेट्रा विच प्रिफर्ड बाय इंडियंस. बॉलीवुड मूवी के जो प्रकार हैं उनमें से खास तौर पर इसमें लव, रोमांस, प्यार मोहब्बत, इश्क, ये सारी बातें बॉलीवुड मूवी में देखी जाती हैं, और हमारे इंडियंस के लोग ये इसी ऐसी ही मूवी को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं. और बॉलीवुड मूवीज के अंदर एक्शन, फाइटिंग और ड्रामा और साथ में कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं हम सभी इंडियन लोग, ऐसी मूवी को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं. तो बॉलीवुड की जो मूवी है उसके अंदर लव है, रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है और कॉमेडी है. इधर आते हैं नंबर फोर पॉइंट हॉलीवुड की मूवी के लिए, हॉलीवुड मूवीज आर वेल नोन फॉर साइंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फिक्शन, एडवेंचर, हॉरर
विच इज वर्थ वॉचिंग। हॉलीवुड मूवी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जानी मानी होती हैं साइंस के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, और जो लेटेस्ट तकनीकी हैं उसके ऊपर आधारित होती हैं, और ख़ास तौर पर जो फिक्शन, कथा या फिर एडवेंचर, कोई भी साहसिक कार्य होता है या फिर हॉरर, भूत प्रेत इत्यादि हॉलीवुड की मूवी बनती हैं, और ऐसी मूवी को भी देखने का एक अलग ही मजा है, और ये सारी मूवीज भी देखने योग्य हैं, वर्थ वॉचिंग मूवीज हैं। लेट्स मूव अहेड नंबर 5 पॉइंट। बॉलीवुड मूवी के फेवर में, बॉलीवुड इंडस्ट्री इज वेरी ओल्ड। बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है बहुत ही प्राचीन है। राजा हरिश्चंद्र बाय दादा साहब फाल्के वॉज द फर्स्ट साइलेंट मूवी रिलीज इन 1913, एंड आलम आरा वॉज द फर्स्ट मूवी विद द साउंड रिलीज इन 1931। बॉलीवुड मूवी सबसे प्राचीन मूवी है। राजा हरिश्चंद्र नाम की जो मूवी है जो कि दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी, दादा साहब फाल्के को बॉलीवुड मूवी का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है दादा साहब फाल्के को, जो कि यह राजा हरिश्चंद्र एक साइलेंट मूवी थी, यह बनी थी 1913 में, 1913 के अंदर, जब हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ था। और पहली जो साउंड के साथ जो मूवी बनी थी वो थी आलम आरा, जो बॉलीवुड की पहली साउंड मूवी थी, जो बनी थी 1931 के अंदर। ये बॉलीवुड मूवी का इतिहास है। तो इधर आते हैं हॉलीवुड मूवी का नंबर 5 पॉइंट। हॉलीवुड इंडस्ट्री इज ओल्डर देन बॉलीवुड। हॉलीवुड इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा प्राचीन है। बॉलीवुड की अपेक्षा भी हॉलीवुड जो है ज़्यादा प्राचीन है। इन ओल्ड कैलिफोर्निया बाय ग्रिफिथ वॉज द फर्स्ट साइलेंट मूवी रिलीज इन 1910, एंड द जज सिंगर वॉज द फर्स्ट मूवी विद द साउंड रिलीज इन 1927। और हॉलीवुड मूवी की स्थापना बॉलीवुड से पहले हो गई थी। इसकी जो पहली साइलेंट मूवी थी द ओल्ड कैलिफोर्निया, जो कि D.W. ग्रिफिथ ने बनाई थी, और दूसरी जो पहली साउंड मूवी थी वो ये थी द जज सिंगर। यह मूवी बनी थी 1927 के अंदर। अर्थात हॉलीवुड मूवी बॉलीवुड मूवी से पहले आई है। तो इधर आते हैं नंबर 6 पॉइंट। बॉलीवुड मूवी के फेवर में, इन बॉलीवुड मूवीज देर इज फुल ऑफ म्यूजिक सॉन्ग्स, डांस आइटम सॉन्ग्स एंड बेटर एंटरटेनमेंट। बॉलीवुड मूवी की खासियत यह है कि इसमें म्यूजिक बहुत प्यारा होता है। हम सभी भारतीयों को बॉलीवुड मूवी के जो संगीत हैं, जो गाने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, और इसके अंदर डांस भी बहुत ज़्यादा होता है, और आइटम सॉन्ग्स का भी देखने का इंडियन लोगों को एक अलग ही मजा आता है। इंडियन लोग आइटम सॉन्ग देखना भी पसंद करते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा मनोरंजन है और म्यूजिक बहुत ज़्यादा है, जैसा कि हॉलीवुड मूवी के अंदर इतना म्यूजिक नहीं होता है। तो इधर आते हैं नंबर 6 पॉइंट हॉलीवुड मूवी के फेवर में। हॉलीवुड मूवीज बेस्ड ऑन न्यू इन्वेंशन एंड क्रिएटिविटी, देर इज नो मिक्स कॉन्टेंट लाइक बॉलीवुड। हॉलीवुड मूवी की खासियत यह है कि इसके अंदर नया नया जो इन्वेंशन होता है, नया नया आविष्कार होता है, उसके ऊपर आधारित होती है, और बड़ी ही क्रिएटिविटी होती है, बड़े ही रचनात्मक जो कार्य होते हैं उसके ऊपर आधारित होती है, और ओरिजिनल होती है, ये किसकी कॉपी नहीं की जाती है। और दूसरी खास बात यह है कि जो हॉलीवुड मूवी होती है वो किसी सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर आधारित होती है, बल्कि बॉलीवुड मूवी होती है वो मिक्स कॉन्टेक्ट के ऊपर आधारित होती है। बॉलीवुड मूवी के अंदर सब कुछ मिक्स होता है, जबकि ऐसा हॉलीवुड मूवी में नहीं होता है। मूव अहेड नंबर 7 पॉइंट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, द डायलॉग्स ऑफ बॉलीवुड मूवीज आर वेरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया। बॉलीवुड मूवी के जो डायलॉग्स हैं वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हॉलीवुड मूवी के फेवर में नंबर 7 पॉइंट। मेनी बॉलीवुड मूवीज आर कॉपीड बट हॉलीवुड मूवीज आर ओरिजिनल।
सबसे खासियत बात यह है हॉलीवुड मूवी की कि वो ओरिजिनल होती हैं, वो किसकी कॉपी नहीं होती हैं। और ये बॉलीवुड के ऊपर ये ब्लेम है कि बॉलीवुड मूवी हॉलीवुड की कॉपी करता है। ऐसी बहुत सारी मूवी हैं जो हॉलीवुड की कॉपी की गई हैं। बॉलीवुड इज फुल ऑफ ओवर एक्टिंग। और दूसरी बात, एक और ब्लेम लगाया जाता है बॉलीवुड के ऊपर कि बॉलीवुड के अंदर ओवर एक्टिंग होती है। जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारी पिक्चर के अंदर कारों को, बसों को और ट्रेन को यूं का यूं उड़ा देते हैं हीरो, और हीरो के कुछ नहीं फर्क पड़ता है, तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग देखी जाती है। तो ये था जीडी का टॉपिक, बॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड। आप अपना कमेंट्स लिखना ना भूले, आप बॉलीवुड को पसंद करते हैं या आप हॉलीवुड को पसंद करते हैं? डू यू लाइक टू वॉच बॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड मूवीज? आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बताएं। और ऐसे कौन कौन से स्टार हैं, आपके फेवरेट हीरो कौन हैं, और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप जीडी का टॉपिक चाहते हैं, आप सारा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगला वीडियो मेरा बहुत जल्दी आने वाला है।